नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस पर्व समारोह। मुरादाबाद में भी स्कूल कॉलेजों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की धूम रही। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद ने परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर एसटी हसन, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम शैलेंद्र सिंह समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुरादाबाद पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा पुरस्कार वितरण किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्लाटून अभियोजन कार्यालय प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री उत्तम मलिक, चौथा प्लाटून CER प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री पंकज कुमार, पांचवा प्लाटून नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री ईश्वर चंद, छठा प्लाटून नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री संदीप कुमार, सातवां प्लाटून नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री राम प्रकाश। तालियों का जोश हो। आठवां प्लाटून PAC प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री मोहम्मद नदीम, और हुक्का प्लाटून महिला टोली प्लाटून प्लाटून कमांडर महिला उप निरीक्षक नरगिस सैफी, दसवां प्लाटून महिला टोली प्लाटून प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती सुनीता चौधरी। अद्भुत यह खूबसूरत परेड मंच के सामने से गुजरती हुई। तालियों का जोश आपके साथ। और तृतीय कमांडर उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार, जोरदार तालियों के साथ उनका जय। अपनी टोली के साथ सदैव सजग 2400 घंटे रेडियो शाखा RSI तेजपाल एवं RSI जगदीश सिंह मीना, तालियां रुके ना। फील्ड यूनिट अपनी पूरी टीम के साथ मंच से गुजरते हुए दिन है ये गणतंत्र दिवस, वो दिन है जो हमको याद करना चाहिए उन लोगों की कुर्बानी, उन लोगों का त्याग और उनकी तपस्या, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र होकर एक मजबूत लोकतंत्र भारत का हिस्सा बने। और जो हमारा संविधान के निर्माता हैं, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस संविधान में जो एक एक नागरिक भारत के उसी क्रम में रहेंगे श्री मोहित कुमार।